हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजदीप रघुवंशी। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, अभी तक के हमने जितने भी अनुच्छेद देखे हैं सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। आप एक दो बार उन्हें रिविजन कर लीजिए, उसे रिवाइज करके पढ़ लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो देखिए, हमने मौलिक अधिकार कितने देखे थे? 6 देखे थे। उसमें से हमारा अब जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, आपको मैं बता दूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात देखिए, हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है, विभिन्न धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं और अलग अलग धर्म को मानने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो उन सबको एक अबाध रूप से स्वतंत्रता दी गई कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो, किसी भी प्रकार के आपको रोक टोक नहीं लगाई जाएगी कि आप अगर कोई धर्म मान भी रहे हो, आप किसी भी मत पर चल रहे हो, तो ये आपकी स्वयं की इच्छा है, स्वयं का अधिकार है। तो यहीं पर इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक के वर्णन है। कितना है? धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 तक के बताया गया है। तो हम इन्हीं को ध्यान में रखकर एक एक करके पढ़ लेते हैं। 25 से 28 तक के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखिएगा। अंतःकरण की धर्म की अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतःकरण में अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने आचरण भी लिख सकते हैं, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, आप किसी भी धर्म को अंतरात्मा से मान सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आप उसके अनुसार आचरण कर सकते हो। जिस धर्म को आपने अपनाया है उस धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या हुआ है कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म को जो मानते हैं, तो उनके द्वारा जो कृपाण नाम के एक छोटी सी एक चाकू टाइप का रखा होता है कृपाण, तो वो उस पर रख लेते हैं, कुछ छोटी सी एक कृपाण रखने का अधिकार होता है, क्योंकि उनके धर्म में इस चीज को माना गया है। अतः अंतःकरण धर्म आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। तो फिर अनुच्छेद दूसरा आता है 26, इसमें क्या कहा है? तो भैया, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। अब देखिए क्या होगा कि धार्मिक कार्यों के लिए, मतलब आप धर्म किसी भी धर्म को मान लिए हैं, आप किसी भी धर्म को मान लिए, तो आपके लिए एक प्रबंध करेंगे, एक संस्था की स्थापना करेंगे, संस्थान बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे। जिस भी धर्म को आपने अपनाया है उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके प्रबंधन करेंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, ठीक है, ट्रस्ट बनाएंगे। तो प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, आपको पूरी तरह स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को बना सकते हैं और उसे कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो आर्टिकल 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 27 में क्या है। तो इसमें है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, जो धर्म है, लिख देता हूं मैं, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या करेंगे? करो जो टैक्स देते हैं उसमें स्वतंत्रता दी गई। करो कि संदाय में स्वतंत्रता,
ठीक है, आपको क्या किया गया है, आपको जो कर दिए गए हैं धर्म की आबाद वृद्धि के लिए करों का संप्रदाय करने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। मतलब आप क्या कर सकते हो, कर दे सकते हो, नहीं दे, अगर आप जिन भी ट्रस्ट को पैसे दे रहे तो आपको कर देने की उस पर टैक्स नहीं लगेगा आपका। और यदि आपके पास सरकार के पास में कुछ अनुबंध भी है, पैसे भी आते हैं, तो वहाँ किसी भी एक धर्म के लिए कर, एक धर्म के लिए कर वगैरह क्या नहीं कर सकती, कर का पैसे नहीं खर्च कर सकती एक धर्म के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। फिर आर्टिकल 28 क्या बोल रहे हैं कि कोई भी शिक्षण संस्थान होगा धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति यदि कोई राज्य पोषित शिक्षण संस्थान क्या हो रहा है, राज्य द्वारा पोषित, यदि किसी भी ऐसे संस्थान में राज्य द्वारा पैसा दिया जा रहा है, राज्य की सरकार द्वारा उसमें शिक्षा के लिए जो भी पैसा दिया जा रहा है, जो भी अनुदान दिया जा रहा है, अगर वह उस शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म की शिक्षा बलात् पूर्वक नहीं दे सकता, मतलब कि वहां किसी भी प्रकार से वहां किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, हाँ देगा तो वह सभी धर्मों की शिक्षा देगा, एक विशेष धर्म की वहां पर शिक्षा नहीं देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में इसमें दिया गया है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका, इसके बाद में आती संस्कृति, नेक्स्ट आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब इसमें क्या है, अब इसको समझिए, बहुत सिंपल है, इसमें आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 29 एंड 30, बहुत सिंपल है, इसको बहुत आराम से आप समझिए। मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत होगा कि आर्टिकल या अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी संस्थान है, कोई भी अल्पसंख्यक है, संस्थान मतलब यहां पर आएंगे अल्पसंख्यक, अल्प के हितों का संरक्षण। ठीक है, देखिए अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कैसे, तो अल्पसंख्यक वर्ग जो भी है, अल्पसंख्यक वर्ग हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 6 प्रकार जो अल्पसंख्यक की श्रेणी बांटी गई है वो 6 हैं, और वो 6 श्रेणी में कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं, तो यदि हम देखें तो पहला आता है मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कितने हैं, तो आपके 6 हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध, ये आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं, और इन अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, इनका संरक्षण किया जाएगा। अगर मान लो इनकी भाषा, इनकी बोली, इनकी लिपि आदि का इनमें संरक्षण दिया जाएगा कि अनंत काल तक की ये इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संजोकर रखे, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण। फिर अगला जो है आर्टिकल 30, ये भी क्या कह रहे हैं कि जो संरक्षण है, आप अल्पसंख्यक वर्गों का क्या करेंगे, संरक्षण तो करेंगे, तो आप क्या करेंगे, तो उनके लिए संस्थान स्थापित करेंगे, मतलब शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग लिख लेता हूं मैं, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान एवं शिक्षण संस्थान एवं उनका प्रशासन का अधिकार, एवं प्रशासन का अधिकार। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षण संस्थान एवं उनके प्रशासन का अधिकार भी किसमें दिया गया है, आपके आर्टिकल 30 में दिया गया। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने अपने लिए क्या कर सकता है, अपनी
अपनी शिक्षा, अपनी लिपि, संस्कृति को बचाए रखने के लिए वहाँ कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, सरकार उसके लिए मदद करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिक्षा और संस्कृति में आर्टिकल दो हैं, एक आर्टिकल है 29 और एक आर्टिकल है 30, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग मैंने बताया कौन से हैं, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, सिख और जैन, बौद्ध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला हमारा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल लास्ट बचा है 32। इसे इसका नाम जो है मैं बता देता हूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो इससे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आप जानते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने क्या कहा, तो इसे कहा संविधान की आत्मा। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को कहा, तो उन्होंने भाग तीन के अनुच्छेद कौन सा 32 को कहा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां से प्रश्न पूछा जाना है, यदि वो भीमराव अंबेडकर से पूछे तो बनेगा संविधान की आत्मा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा किसे कहा गया, तो उनके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। मैंने आपको इसके पहले जो प्रस्तावना वाला वीडियो था उसमें बताया था, तो आपको ध्यान रखना है। यदि आपको जो मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार यदि जो अधिकार दिए हैं और वो प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक रीट जारी कर सकते हो। आपको यदि मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन मूलभूत अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में एक रीट जारी कर सकते हैं। अब रीट क्या होती है तो वो देखते हैं। रीट एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है जो सरकार, जो कोर्ट द्वारा हमें प्रदान, हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित होती है और उसे हमें प्राप्त, उसके अधिकार से हमें प्राप्त होता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो रहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को में 5 रीट है। ठीक है, तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षी करण। अब देखिए आपको बहुत ध्यान से इसको ध्यान देना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या कह रहे हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है, क्या पूछा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं सशरीर प्रस्तुत, क्या कि कोई भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से यदि गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी बताए नहीं है कि कोई भी तरीका है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो 24 घंटे के भीतर जो हमने आर्टिकल्स अभी पढ़े थे पिछले, आप देखिएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिनमें आपको 24 घंटे के भीतर आपको बताया, पहुंचाने का अधिकार भी बताया मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहीं पर भी है कि सशरीर प्रस्तुत करना है 24 घंटे के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की हताहत नहीं किया जाएगा, पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के इसमें प्रताड़ना नहीं की जाएगी, उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो है परमादेश। ठीक है, परमादेश का अर्थ हो रहा है कि वे आदेश दे रहे हैं, वे आदेश दे रहे हैं कि यदि कोई न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन है ना, गवर्नमेंट अधिकारी है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, ठीक है, तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए परमादेश रीट जारी की जाती है, जिससे किसी व्यक्ति या किसी वर्ग का क्या ना हो, अहित ना हो।
तो यदि वो कार्य नहीं करेगा तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति का अहित होगा, तो उसको रोकने के लिए न्यायालय द्वारा परमादेश एक रीट जारी की जाती है, बी कमांड इसको कह रहे हैं, इसका अर्थ हो रहा है उनके द्वारा आदेश दिया जाता है, ठीक है। और तीसरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यायिक रीट कहते हैं, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद ये यहां से पूछी जाती है, प्रतिच्छेद यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना। पहला तो ये क्या सी है, तो ये न्यायिक रीट है, ठीक है, न्यायिक रीट है। मतलब क्या हुआ कि ये केवल न्यायालय के द्वारा ही जारी होगी, ये आम जन नहीं लगा सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ठीक है, और एक होता है अधिकार प्रच्छा। ये तीन जो है वो आम नागरिक के द्वारा या किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य उसके सहयोगी द्वारा लगाई जा सकती है, परंतु आपकी प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये दो जो रीट है ये केवल केवल जो भी न्यायालय होता है उसके द्वारा ये लगाई जाती है। अब क्या है प्रतिषेध, तो प्रतिषेध को समझो, ये न्यायिक रीट है, इसका अर्थ होता है मना करना, प्रतिषेध करना, मना अर्थ नाम से ही क्लियर है, मना करना। अब ये मना करना कैसे मना करना, तो इनका कहना ये है भैया कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। सबसे पहले ये कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ जो भी न्यायालय है, जो भी निम्न न्यायालय है, अपने निम्न न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण संस्थान जो है ना, उनको ये रीट जारी की जाती है। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट अन्य निम्न न्यायालय को कर सकता है, और उसमें ये कहेगा कि ये जो मामला है, कोई भी मामला है, उसकी अधिकारिता सीमा से बाहर है। यदि कोई भी मामला आता है और उसकी अधिकारिता सीमा से हस्तक्षेप करता है तो यहाँ रीट वहां जारी करता है, तो उसे उसको रोकने का प्रयास करता है। कोई भी न्यायालय जो मामला आ रहा है, न्यायालय मामला, उसको रोकने के लिए यह रीट जारी करता है कि आप जिस मामले की पैरवी कर रहे हैं, यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया अपनी जो भी कार्यवाही है तो उसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रतिषेध एक रीट जारी होता है। फिर आपके उसी के साथ में तीसरी चौथी रीट आती है, वो आती है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, ठीक है। अब इसका अर्थ ये होता है, देखिए इसको पूर्णता सूचित करो वाली बात होती है, या पूर्णता सूचित करो या ऊपर भिजवाओ। इसमें ये होता है कि कोई भी, पहली बात तो ये भी न्यायिक रीट है, ठीक है, ये कौन सी रीट है, न्यायिक रीट है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ या निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक क्षेत्र को क्या करता है, जारी करता है, ठीक है। तो ये न्यायिक दो दो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो है, ये जो न्यायिक रीट है। अब क्या होता है कि इसके अंतर्गत कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय जो भी है, अधीनस्थ न्यायालय, इस अधीनस्थ न्यायालय में क्या करेंगे कि उनको एक विचाराधीन जो भी मामला होगा, विचाराधीन मामले, ठीक है, कोई भी विचाराधीन मामला यदि वहां पर पेंडिंग है, ठीक है, और वह किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, तो उस मामले को उससे उच्च न्यायिक क्षेत्र में या उच्च अधिकारी को सौंपा जाए। मतलब उसको उस स्थान से उठाकर अपने उच्च वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, न्यायिक रीट है ये, मतलब अधीनस्थ न्यायालय को के लिए जारी की जाती है, विचाराधीन मामले को क्या करते हैं, ऊपरी अदालत में भेजने की यहाँ पर अपील, यहाँ पर कहा जाता है, आदेश दिया जाता है। अगला जो है वो है अधिकार प्रच्छा, अगली जो है वो है अधिकार प्रच्छा। क्या है अधिकार प्रच्छा, तो ये पांचवी रीट है, एग्जाम में प्रश्न पूछी जाएगी, तो यहां से ध्यान रखिएगा। तो अधिकार प्रच्छा क्या है, अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से, इसका अर्थ हो रहा है किस अधिकार से, किस अधिकार से, ठीक है, इसका अर्थ हो रहा है किस अधिकार से। मतलब क्या हो रहा है कि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति की नियुक्ति उस
की नियुक्ति गलत तरीके से हो गई है जो उस पद के पर आसीन होने लायक नहीं है, ठीक है, और वह उसको कार्य करता है तो जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उससे यहाँ न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है अधिकार पृच्छा की, आप जो यहाँ कार्य कर रहे हैं यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब आप किस अधिकार से इस पर कार्य कर रहे हैं उसको उस अधिकार नहीं होने के कारण रोका जाता है। तो ये आपकी रीट हुई, आपकी कितनी रीट हुई, आपकी हुई 5 रीट, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध निषेध, उत्प्रेषण और एक अधिकार प्रच्छा। ध्यान रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रच्छा सामान्य रीट है, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है आपकी कौन सी रीट है, न्यायिक रीट है, याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन आर्टिकल से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है संवैधानिक अधिकारों उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने। 5 प्रकार की रीट है, आपको मैंने बता दिया 5 प्रकार की रीट, याद रख लीजिएगा, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान की जाएगी और आपके निश्चित ही आपकी सफलता में यह वीडियो सहायक होंगे। थैंक यू।